हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आंगन पब्लिक स्कूल। एंड टुडे वी विल स्टडी ऑफ कंप्यूटर। ओके, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्टूडेंट्स कंप्यूटर का। एंड नाउ स्टूडेंट, इसमें जो हमारा फर्स्ट यूनिट था, ओके, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट यूनिट कौन सा था, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो था हमारा यूनिट वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का न्यू यूनिट जो है विंडोज़। ओके, स्टार्टिंग विंडोज। सो लेट स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, विंडोज स्टार्ट ऑटोमेटिकली। ओके, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो जो विंडोज होता है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। यू विल सी अ स्क्रीन विथ मैनी स्मॉल पिक्चर्स ऑन इट। ओके, देखो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है इस टाइप का, कुछ इस टाइप से ये ओपन होता है। दिस इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज, इट्स कॉल्ड डेस्कटॉप। ओके, ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये मेन स्क्रीन होता है। ओके, उसको विंडो बोलते हैं। और इसको जो हम जैसे कि बोला जाता है कि एक्चुअल में ये है क्या, तो वो क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको, डेस्कटॉप। नाउ आप देखो, यहाँ से देख सकते हो आप कि कुछ इस टाइप का ये दिखता है। डेस्कटॉप जो होता है हमारा, वो कुछ इस टाइप का दिखता है। एंड उसमें क्या क्या चीज़ें होती है स्टूडेंट, जैसे स्टार्ट बटन होता है, आइकॉन, टास्क बार, डेस्कटॉप, डेट एंड टाइम। ओके, ये जो चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें मेंशन की हुई होती हैं। सो फर्स्ट है उसमें माउस पॉइंटर। व्हेन यू मूव द माउस ऑन द माउस पैड, यू सी अ स्मॉल एरो मूविंग ऑन द स्क्रीन। माउस पैड, यू सी अ स्मॉल एरो। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर ये स्मॉल एरो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर। ओके, मूविंग ऑन द स्क्रीन, ये क्या करता है स्क्रीन के ऊपर, जैसे जैसे आप जो भी आपको चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो मूव करता जाएगा स्क्रीन के ऊपर। इट शो द पोजिशन ऑफ द माउस ऑन द स्क्रीन। ओके, शो करता है ये अपनी पोजिशन को। एंड सो इज एरो इज माउस पॉइंटर। ओके, इसको हम किससे मतलब मूव कर सकते हैं, तो वो है माउस पॉइंटर से। और इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, माउस पॉइंटर। एज यू मूव द माउस ऑन द माउस पैड, द माउस पॉइंटर ऑन द डेस्कटॉप ऑल्सो मूव्स। इफ यू मूव द माउस फ्रॉम साइड टू साइड, द माउस पॉइंटर मूव्स लेफ्ट और राइट। ओके, ये लेफ्ट और राइट भी मूव हो सकता है डेस्कटॉप। सिमिलरली इफ यू मूव द माउस अप और डाउन, अप डाउन भी हो सकता है, द माउस पॉइंटर मूव्स अप और डाउन ऑन द डेस्कटॉप। ओके, आप इसको डेस्कटॉप पर अप डाउन, लेफ्ट राइट, ओके, उस टाइप से आप इसको कर सकते हो। द डिलीट की इज यूज्ड। नाउ अभी देखो स्टूडेंट्स, हमारा अभी यहाँ पर माउस पॉइंटर। ओके, अब माउस पॉइंटर में क्या क्या है, आइकॉन्स, द स्मॉल पिक्चर्स That you see on the desktop are called icons. Okay, जब desktop के ऊपर आपको small small से pictures दिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, icons. And icons stand for a program in Windows. There are many different programs like Paint to arrow and colors picture, Notepad to write, and calculator to do the simple calculation in Windows. Okay, means कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आप कर सकते हो। नाउ फिर उसमें ही है टास्क बार। द टास्क बार, द बटन ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार। ओके, अभी जो द टास्क बार एट द बटन, तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आर कॉल्ड द टास्क बार। टू द राइट ऑफ द टास्क बार यू कैन सी द क्लॉक एंड डेट। ओके, अभी ये क्या शो करता है, क्लॉक एंड डेट शो करता है। टू द लेफ्ट और टू द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार इफ यू सी अ स्मॉल बटन कॉल द स्टार्ट बटन। ओके, साइड में जो इसका जो स्मॉल बटन होता है स्टूडेंट, वो क्या है उसका, स्टार्ट बटन। दिस इज द बटन दैट यू विल यूज टू स्टार्ट मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इन विंडोज। ओके, ये जो है स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट जब हम करते हैं, ओके, तो प्रोग्राम विंडोज स्टार्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू इन विंडोज, अ लिस्ट ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड मेन्यू। मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्टार्ट बटन एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, यू विल सी मेन्यू इज कॉल्ड द स्टार्ट मेन्यू। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर में स्टूडेंट्स, ओके, दिया हुआ है ऑलरेडी हमको। इफ यू प्लेसेस
सॉरी इफ़ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एन आइटम ऑन द स्टार्ट मेन्यू दैट आइटम विल बी हाईलाइटेड इट विल अपीयर विथ अ कलर बैंड ओवर इट. मीन्स के आप इसके यूज से स्टूडेंट्स हाईलाइटेड ओके कलर्स ओके वो सारे जो वर्क होते हैं वो कर सकते हो. नाउ सब मेन्यू लुक एट द स्टार्ट केयरफुली सम आइटम्स ऑन इट हैव स्मॉल राइट एरो प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द सच आइटम दैट आइटम विल बी हाईलाइटेड एंड यू विल सी अनदर मेन्यू. दिस मेन्यू इज कॉल्ड सब मेन्यू. ओके place the mouse pointer and all programs you will see a sub menu. It shows a list of all programs and programs folders on your computer. Okay abhi dekho yahan par ye jo diya hua hai students okay desktop yahan par dekho ye program folder ka picture diya hua hai. To open program click on the program name. Okay jaise aap open karoge waise programs ke name aate hain. If you click on a folder and इसमें folder भी अलग अलग होते हैं आपको जो folder चाहिए वो folder आप open कर सकते हो. okay जिस type से student हम mobile का use करते हैं okay तो mobile में भी जब हम file open करते हैं तो उसमें अलग अलग folders होते हैं कुछ इस type का इसमें भी होता है. it will expand the show you another list of the program in it. for example if you click accessories folder it will expand to show you the list of the program store it in it. and now student जैसे आप paste turn करोगे वैसे आप देख सकते हो यहाँ पर okay कि accessories list किस तरीके से open होता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो. program folder में जो accessories list आता है वो उसका भी देखो यहाँ पर picture दिया हुआ है. shutting down windows okay अभी shutting down किस तरह से होता है. place the mouse pointer on the start button on the taskbar and click the left mouse button. You will see the start menu. Okay, इस तरह से ये start होता है and click on shut down to switch off the computer. Okay, जब आप shut down करते हो computer का तो वो क्या होता है switch off होता है. Okay, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये picture दिया हुआ है. Okay, कि किस तरह से आप इसको shut down कर सकते हो किस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हो. Okay, means के हम off कर सकते हैं. Now student जैसे आप paste run करोगे वैसे ही आएंगी exercise. Name of the following with the help of the words given in the brackets. Okay. अभी क्या है students यहाँ पर ये जो brackets दिए हुए हैं इनमें से जो right bracket है वो choose करके आपको ये जो fill-ups है वो write down करनी है. So first है the main screen of windows. Okay. दो जो main screen होता है windows का उसको हम क्या कहते हैं student desktop. The small picture that you see on the window screen. Okay. जो small small picture होता है students windows पर. Okay. मीन्स के आपका जो मेन स्क्रीन होता है उसके ऊपर तो उसको हम क्या कहते हैं आइकॉन्स. ओके तो उसको क्या कहते हैं आइकॉन्स. ना फिर उसके बाद है द बार एट द बटन ऑफ द डेस्कटॉप. ना उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट टास्क बार. बार का जो बटन होता है उसको डेस्कटॉप का जो बार का जो बटन होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट टास्क बार. द स्मॉल एरो ऑन द विंडो स्क्रीन. ओके इस टाइप का जो स्मॉल एरो दिखता है विंडो स्क्रीन पर उसको हम क्या बोलते हैं माउस पॉइंटर. द स्मॉल एरो बटन और इसको किससे स्टूडेंट हम अप्लाई कर सकते हैं तो वो होता है माउस से. द स्मॉल बटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द टास्क बार. तो वो किससे होता है किस तरीके से कर सकते हैं हम स्टार्ट कर सकते हैं हम. ओके द स्मॉल बटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टास्क बार. लेफ्ट हैंड साइड पर जो बटन दिया होता है टास्क बार में उससे क्या होता है विंडो स्टार्ट होता है. ओके या तो डेस्कटॉप हमारा जो होता है वो स्टार्ट होता है. फिर उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. ओके यहाँ पर कुछ ब्रैकेट्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से क्या करना है ये जो फिलअप्स है वो हम कंप्लीट करेंगे. वेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर डैश स्टार्ट ऑटोमेटिकली. ओके मीन्स के क्या है स्टूडेंट वैन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर जैसे आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या स्टार्ट हो जाता है तो वो है विंडोज. ना फिर नेक्स्ट है हमारा इन विंडोज अ लिस्ट ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड. ओके तो उसको क्या बोलेंगे मेन्यू. वैन यू क्लिक ऑन द डैश बटन यू विल सी द स्टार्ट मेन्यू. ओके तो हमने देखा था स्टूडेंट्स अभी आगे उसको किस तरीके से करते हैं हम स्टार्ट करते हैं हम. ओके उस बटन से क्या होता है स्टार्ट होता है.
नाउ फिर नेक्स्ट है हमारा ऑन अ मेन्यू इफ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एन आइटम विथ अ स्मॉल राइट एरो यू विल सी क्या बोलेंगे उसको सब मेन्यू ओके नाउ फिर लास्ट है हमारा टू शट डाउन विंडो क्लिक ऑन द डैश ऑन द स्टार्ट मेन्यू तो क्या होगा वो शट डाउन सो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो हमारा सेकेंड यूनिट है वो यहाँ पर फिनिश होता है ओके आपको क्या करना है होमवर्क में ये जो एक्सरसाइज मैंने स्टूडेंट्स करवाए हैं ना ये एक्सरसाइज आपको ये जो वर्कबुक है स्टूडेंट्स उसमें राइट डाउन करने हैं ओके एंड जो हमारा फर्स्ट यूनिट था ना स्टूडेंट्स ओके उसके भी ये जो एक्सरसाइज थे वो भी आपको आपका जो कंप्यूटर का बुक है स्टूडेंट्स उसमें आपको राइट डाउन करना है ओके सो ये है आपका कंप्यूटर का होमवर्क एंड नाउ स्टूडेंट्स इसमें ही करेंगे हम हमारा जो नेक्स्ट है ओके वो है आर्ट एंड क्राफ्ट ओके स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारा कंबाइंडेड होता है आर्ट एंड क्राफ्ट कंप्यूटर एंड कलर में ओके सो आर्ट एंड क्राफ्ट में देखो मैं आपको क्या होमवर्क देती हूँ वो आपको होमवर्क करना है आर्ट एंड क्राफ्ट में ओके स्टूडेंट्स नाउ हमने यहाँ तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है स्टूडेंट्स नाउ पेज नंबर 9 तक मैं आपको ऑलरेडी होमवर्क दे चुकी हूँ ओके तो आपको अभी क्या करना है स्टूडेंट पेज नंबर 10 ओके पेज नंबर 10 पेज नंबर 11 स्टूडेंट देखो पेज नंबर 10 में आपको क्या करना है ओके पेज नंबर 10 में आप क्या करोगे स्टूडेंट्स इस टाइप का आपको एक वाइट पेपर लेना है ओके प्लेन पेपर लेना है एंड फिर क्या करना है देखो फर्स्ट द पेपर यूजिंग डिफरेंट वैक्स कलर जेंटली मीन्स आपको क्या करना है एक वाइट पेपर लेना है एंड नाउ उसके ऊपर वैक्स कलर जो होता है स्टूडेंट क्रेयॉन्स का जो कलर होता है उनका आपको यूज्ड करना है देखो इस टाइप से ओके एंड नाउ जैसे ही आप इस टाइप से कलर कर लोगे ना स्टूडेंट्स फिर उसके बाद क्या करना है आपको पेंसिल का यूज्ड करना है ओके पेंसिल का यूज्ड करना है तो आप इस टाइप का ये जो पिक्चर है आप देख सकते हो यहाँ पर इसने ड्रॉ किया है उस टाइप का कुछ पिक्चर आपको ड्रॉ करना है ओके जैसे आप ड्रॉ कर दोगे तो वो कम्प्लीटली कैसा ये जो पिक्चर नंबर 3 है कुछ इस टाइप का दिखाई देगा नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा जो कि है 11 नंबर पेज नंबर 11 ओके अभी यहाँ पे देखो लिटिल फेरी विंग्स आर कलर्स मेक देम कलरफुल विद द बीटर गर्ड Impressions cut a bitter gourd deep in the different water colors and make impression on the fairy wings. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स बिटर गर्ड लेना है बिटर गर्ड्स तो आपको पता ही होगा कि वो क्या होता है फिर उसको क्या करना है वाटर कलर जो होता है ना स्टूडेंट्स को कि उसमें डीप करना है एंड डीप कर करके यहाँ पर आपको क्या करना है जैसे देखो इसने किया हुआ है ना आपको डीप करके यहाँ पर उसको मीन्स लगाना है ओके अच्छे से आपको इसको ये कंप्लीट करना है बिटर गर्ड का आपको यूज करना है एंड कलर देखो यहाँ पर येलो है तो आप यहाँ पर भी येलो लोगे यहाँ रेड है तो आप क्या करोगे यहाँ पर रेड लोगे ओके स्टूडेंट्स ना फिर उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा वो है राखी बैंड ओके नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा राखी बैंड एंड स्टूडेंट्स ये जो है ना आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का जो बैक पेज होता है हमारा लास्ट पेज ओके वहां पर मटेरियल जो होता है वो ऑलरेडी दिया हुआ होगा एंड वहाँ पर पेज नंबर भी मेंशन किया होगा कि आपको वो किस पेज में यूज करना है ओके तो मेकिंग राखी इज रियली अ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉलो सम स्टेप गिवन बिलो एंड मेक राखी बाय योर ओन ओके आप इस टाइप से राखी को बना सकते हो आप देख सकते हो कि एक सिंबल है सिंपल सा बैंड दिया होगा एंड नाउ ऐसा एक फ्लावर दिया होगा तो आपको क्या करना है फेविकॉल लेकर उसको चिपकाना है ओके चिपका दोगे तो वो कम्प्लीटली इस टाइप से बन जाएगा ना उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 13 कलर द पिक्चर वाइब्रेंटली मीन्स आपको क्या करना है ये जो पिक्चर दिया है ना स्टूडेंट इसमें आपको कलर करना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ओके एंड इसमें आप कौन से कोई भी कलर यूज करते हो पेंसिल कलर भी यूज करते हो कर सकते हो या क्रेयॉन्स के कलर भी यूज कर सकते हो ओके नाउ स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट है ना हमारा वो है कलेक्ट द सम ओल्ड यूजलेस मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स एंड टी पेपर्स फ्रॉम देम अरेंज्ड एंड पेस्ट दैट पेपर्स हियर इज द सेम वे एंड शो इन द इनसेट ओके आपको क्या करना है स्टूडेंट्स अभी जो
हमारे यूजलेस मैगजीन के पेपर होते हैं, न्यूज़ पेपर होते हैं, कलर्स पेपर होते हैं, ओके, तो आपको क्या करना है, कुछ इस टाइप से कट करना है, एंड कट करके स्टूडेंट्स आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर इस टाइप का कुछ पिक्चर जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको वो बनाना है, ओके. उन जो पेपर्स होंगे उनको कट करना, कलर पेपर हो, मैगजीन पेपर हो, जो भी आपके घर में यूजलेस पेपर हो उसका यूज़ करके आपको इस टाइप का यहाँ पर पिक्चर बनाना है, ओके. इसके लिए इजी क्या रहेगा स्टूडेंट, पहले आप जो नीचे पोर्ट दिया है पहले आप वो पोर्ट को पेंसिल से ड्रॉ कर देना, ओके. एंड ना फिर क्या करना, उसमें आप पिक्चर जो आप मैगजीन के कट करो स्टूडेंट्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर या कलर पेपर, उसके उसमें पेस्ट कर देना. ना फिर कुछ इस टाइप से आप शेप्स दे के आप कट भी कर सकते हो, ओके. एंड फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर साइड में वो फ्लावर ड्रॉ कर देना, ओके स्टूडेंट्स. तो आर्ट एंड क्राफ्ट में आपको क्या करना है, पेज नंबर 14 तक, ओके. नाउ स्टूडेंट्स उसके बाद आता है हमारा ये जो कलर मी वाला बुक है वो, ओके. नाउ उसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आप देखो हमारा जो पेज नंबर 10 है, ओके, पेज नंबर 10, लवली फ्लावर. तो कलर द फ्लावर विद क्रेयॉन्स टू मेक इट्स लुक मोर ब्यूटीफुल. आपको क्या करना है, क्रेयॉन्स के कलर का यूज करके इस टाइप का यहाँ पर दिया है ना फ्लावर, इस टाइप से यहाँ पर इसको कलरफुल बनाना है. नाउ टर्न करो पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11. पेज नंबर 11 देखो यहाँ पर क्या करना है, पेज नंबर 11 में आपको डीप योर थंब इन डिफरेंट वाटर कलर्स एंड मेक अ पीकॉक एज शो, ड्रॉ द आईज, बीक एंड लेग्स विथ स्केच पेन. आपको क्या करना है, पहले तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या करना है, वाटर कलर लेना है जिसे दिया हुआ है और आपको आपका थंब का इस टाइप से यूज़ करना है. तो आप क्या करोगे, वाटर कलर में आपके थंब को इस तरह से डीप करोगे एंड नाउ फिर आपको केयरफुली इसको इस टाइप से ड्रॉ करना है, ओके. आपके थंब की हेल्प से, जो वाटर कलर में डीप हुआ होगा उसके हेल्प से आप ड्रॉ करोगे ना. उसके बाद मेन थंब लोगे, ओके, मेन थंब में इस टाइप से लोगे एंड फिर उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, आपको स्केच पेन की यूज से आपको उसकी आईज है, बीक है और ये जो लेग्स दिए हुए हैं ये आपको ड्रॉ करना है, ओके. नाउ टर्न करो पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 12. उसमें क्या करना है, ट्रेस द पिक्चर एंड कलर इट बाई यूजिंग क्रेयॉन्स, ओके. अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, मंकी का पिक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, उसको ट्रेस करना है, ट्रेस करके वो पिक्चर को कंप्लीट करना है एंड नाउ उसके बाद क्या करोगे, आप ये इस टाइप के जो कलर्स दिए हुए हैं वो कलर आप इसमें फिल करोगे, ओके, क्रेयॉन्स के कलर आप इसमें फिल करोगे. नाउ पेज नंबर 14, सॉरी पेज नंबर 13, ओके. 13 में रीड द स्टेप एंड मेक अगामे ट्विलिज बर्ड्स, ओके. आपको क्या करना है, एक जो बर्ड्स है वो आपको बनाना है पेपर का यूज्ड करके, ओके. ट्विगलिंग बर्ड्स तो बोलते हैं, वो आपको बनाना है. एंड नाउ अब लास्ट है हमारा पेज नंबर 14. पेज नंबर 14, यूज पेंसिल कलर्स टू कलर द गर्ल एंड आइसक्रीम ब्यूटीफुली, ओके. आपको क्या करना है, ये जो गर्ल यहाँ पर दी हुई है ना, इस टाइप के आप देखो इसमें जो कलर्स यूज़ किए हैं कुछ इस टाइप के कलर यूज़ करके आपको एक गर्ल को कम्प्लीटली बनाना है, ओके स्टूडेंट्स. और आपको कौन से कलर यूज़ करना है इसमें, पेंसिल कलर. जो भी स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा प्रिटी गर्ल वाला पिक्चर. स्टूडेंट्स आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी कलर्स का यूज़ दिया हुआ है आपको वही कलर यूज़ करना है. पेंसिल दिया है तो पेंसिल, क्रेयॉन्स दिया है तो क्रेयॉन्स एंड वाटर कलर दिया है तो वाटर कलर, ओके स्टूडेंट्स. तो आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कलर में का मैंने आपको होमवर्क बता दिया कि आपको होमवर्क में क्या करना है एंड कंप्यूटर में आपको क्या करना है. कंप्यूटर में जो हमारा फर्स्ट यूनिट था, ओके, पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड जो हमारा सेकेंड यूनिट जो आज मैंने करवाया विंडोज, ओके, उसके जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स वो आपको आपका जो कंप्यूटर का नोटबुक है, मेंस के जो जीके का नोटबुक है स्टूडेंट, उसमें ही आपको पार्ट बनाना है एंड पार्ट बना के आपको वहीं पे ही राइट करना है, ओके स्टूडेंट्स. सो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पर ओवर होता है, ओके. सो गुड बाय एंड टेक केयर.